एपिसोड 4 में हमने देखा था कि बोंगसुन मुजरिम की आवाज़ सुन के रुक जाती है। आगे एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि बोंगसुन उसे ढूंढने लगती है। उसे उस मुजरिम से अजीब मेटल की और तेल की स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जंग लगी हुई चीज़ हो, पर उसको वो नहीं मिलता क्योंकि वो जा चुका था। जब मेट्रो में एक लड़का एक लड़की को गंदे तरीके से टच करता है तो बोंगसुन उसकी तरफ गुस्से से घूरती हुई सोचती है, अगर मैं अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करूँ तो क्या दुनिया बेहतर हो सकती है। फिर वो हंसते हुए मेट्रो से बाहर निकलती है और मेट्रो में सब उसी लड़के को देख रहे होते हैं जो नीचे गिरा हुआ अपना हाथ पकड़कर चिल्ला कर कह रहा होता है, मर गया, हाथ कौन ऐसे मरोड़ता है, लगता है टूट ही गया। बोंगसुन जब कंपनी में एक पोस्टर को देखती है जो एक फाइटर लड़की का होता है, तो वो कहती है कि अगर फीमेल फाइटर रियल लाइफ में होती। फिर वो इमेजिन करती है कि उस पोस्टर वाली लड़की का हथियार उसके हाथों में आ गया है। तभी मीनूक आके उसे इमेजिनेशन से बाहर करके कहता है, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। जब वो दोनों रात का हैंगओवर ख़त्म करने के लिए ब्रेकफास्ट करते हैं, तभी मीनूक बोंगसुन से उसके हाथ में बंधे हुए डिवाइस के बारे में पूछता है। तो बोंगसुन उसे बताती है कि ये स्मार्ट डिवाइस है जिसे खतरे में बटन दबा के पुलिस को बुला सकते हैं, और ये भी बताती है कि ये उसे गुगडू ने दिया है। जब वो बताती है कि मैं इसे आज दबाने ही वाली थी क्योंकि आज मैंने उस मुजरिम की आवाज़ सुनी थी हमारे मोहल्ले में मेट्रो स्टेशन के पास, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मीनू कहता है, अब तो हमें दोनों को ही खतरा है, हमें एक साथ रहना होगा, मुझे हमारी रक्षा के लिए किसी को रखना होगा। बोंगसुन कहती है, तुम्हें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो मैं पक्का तुम्हारी रक्षा करूँगी। फिर वो बोंगसुन को अपने ऑफिस में एक रखे स्टडी टेबल की तरफ इशारा करके कहता है, अब जब भी तुम फ्री हो तो पढ़ाई करना। जब वो कहता है कि हम एक नई गेम बना रहे हैं, मैं काम करता हूँ तब तक तुम पढ़ाई करो। न्यू गेम के बारे में सुन के बोंगसुन बड़े प्यार से कहती है, क्या मुझे भी इस नई गेम की टीम में जगह मिल सकती है। तो मीनू हंस के कहता है, उसमें, फिर एक्सप्रेशन बदल के कहता है, नहीं, उस स्टॉकर को पकड़ने के बाद, और अब पढ़ो। पर बोंगसुन का तो पढ़ाई में कम और गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान लग रहा था। इधर कैफे पर बोंगसुन की मॉम और उनके फ्रेंड्स उसी मुजरिम के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ पतली लड़कियों को ही टारगेट करता है। तो उनकी फ्रेंड बोंगसुन की मॉम को कहती हैं, बोंगसुन पर ध्यान दो, वो कितनी पतली है। उनके वॉलनट कैफे पर काम करने वाली लड़की जब बोंगसुन का रात वाला वीडियो बोंगसुन की मॉम को दिखाती हैं तो वो हैरान होकर उस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स से छुपाने लगती हैं। पर तभी बोंगसुन को उसकी मॉम का फ़ोन आता है, उसे उस वीडियो के बारे में बताकर गुस्से से कहती हैं, सब खत्म हो गया, अब हमें शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं शर्म के मारे यहाँ नहीं रह सकती। बोंगसुन भी ये सुन के जब वो वीडियो देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जब मीनूक देखता है कि बोंगसुन अपनी चेयर पर नहीं है तो वो कहता है, ये कहाँ चली गई। फिर वो देखता है कि बोंगसुन अपने टेबल के नीचे छुपी हुई अपना चेहरा छुपा रही होती है और कहती है, मुझे शर्म आ रही है। जब मीनू को उस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो भी उसे चिढ़ाकर कहता है, मेरे सामने एक फेमस इंसान है, प्लीज़ ऑटोग्राफ दीजिए, लगता है ये वीडियो वायरल हो गया है। उसी वीडियो को वह स्कूल बॉयज़ भी देख रहे होते हैं। जब वो गैंगस्टर जो अभी भी हॉस्पिटल में होते हैं उस वीडियो को देखते हैं तो कहते हैं, ये तो वही लड़की बोंगसुन है, सुना है इसका भाई डॉक्टर है, पर उन्हें क्या पता था जो डॉक्टर उनकी पट्टी कर रहा है वही उसका भाई बोंगी है। फिर वो गैंगस्टर बताता है, उसके पापा एक वॉलेट कैफे के मालिक हैं और माँ घर संभालती है पर ज़्यादा घर पर रहती नहीं है। फिर दूसरा गैंगस्टर कहता है, मैं डिस्चार्ज होने के बाद उस लड़की को मारकर उसका पापड़ बना दूंगा। तभी बोंगी ये सुन के जल्दी जल्दी उसका पूरा चेहरा पट्टी से कवर कर देता है और कहता है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो सारा चेहरा ख़राब हो जाएगा। पहला गैंगस्टर कहता है, कम से कम खाने के लिए एक छेद तो कर दो। तभी जब बोंगी बाहर आकर हीची को हॉस्पिटल में देखता है, हीची उससे पूछती है कि उसका हाथ काफ़ी जल्दी ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोंगी कहता है, अगर आपका हाथ ठीक भी हो जाए तब भी हॉस्पिटल में आते रहिएगा। हीची भी हंसकर कहती है, हाँ ज़रूर आऊँगी। तभी उसे गुगडू का मैसेज आता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है, लगता है कहीं ना कहीं वो अब बोंगी को लाइक करने लगी है। इधर हम देखती हैं कि सेक्रेटरी गोंग जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मीनू के ऑफिस आते हैं, तो सेक्रेटरी गोंग कहना स्टार्ट करते हैं,
ऊपर से नीचे का हिस्सा दबा पड़ा था। पता भी है मुझे कितना झेलना पड़ा। फिर वो अपनी कमर पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहते हैं, मैं और मेरी कमर, मैं किसी को मुंह तक दिखाने लायक नहीं बचा, इतनी बेइज्जती, सब कुछ टूट गया। एक लड़की इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? वो बित्ती भर की लड़की इतने सारे खतरनाक हादसे कैसे कर सकती है? और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ फैली हुई हैं कि वो नॉर्थ कोरिया की जासूस है, एक एलियन है, वगैरह वगैरह। तभी मीनू उसे इशारा करते हुए कहता है कि सेक्रेटरी गोंग, पर सेक्रेटरी गोंग तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहते हैं, इसलिए तो मेरे ख्याल से बॉस, आपको उससे जितना दूर रह सके उतना दूर रहना चाहिए। और तभी बोंगसून अपने टेबल से बाहर निकलती है और बेचारे सेक्रेटरी गोंग का चेहरा, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने अपने टीचर की बुराई टीचर के सामने कर दी हो और उसे बचाने वाला भी कोई ना हो। सेक्रेटरी गोंग मीनू की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे अब वो ही उनको बचाने वाला है। पर मीनू हिचकिचाता हुआ कहता है, तुम दोनों काम बांट लेना। और बोंगसून कहता है, तुम सेक्रेटरी गोंग को ले जाओ और फैसला कर लो। ये सुन के तो सेक्रेटरी गोंग उम्मीद भरी नज़रों से मीनू की तरफ देख रहे होते हैं और मीनू उन्हें सॉरी कह के चला जाता है। जब बोंगसून सेक्रेटरी गोंग के पास आके उन्हें चलने को कहती है, सेक्रेटरी गोंग डर जाते हैं और रोनी शक्ल बनाकर जाते जाते भी मीनू को ही देख रहे होते हैं। उनके जाते ही मीनू बोंगसून का वीडियो इंटरनेट पे से डिलीट करवा देता है। फिर वो गुगडू को फ़ोन कर बताता है कि बोंगसून आज उस मुजरिम से मिली थी और उसकी रक्षा करने के लिए किसी ऑफिसर को रखने के लिए भी कहता है। फ़ोन कटने पर गुगडू कहता है, इतनी ज़रूरी बात मुझे क्यों नहीं बताई, हद हो गई, और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। जब बोंगसून और सेक्रेटरी गोंग काम बांटने के लिए जाते हैं तो बोंगसून सेक्रेटरी गोंग को कहती है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, अगर आपकी कमर पे फिर से कोई चोट आई तो आसानी से टूट जाएगी, बस मुंह बंद रखकर जिंदगी को ध्यान से बिताइए। सेक्रेटरी गोंग भी डरते डरते हाँ करते हैं और कहते हैं, वो सब पुरानी बातें भूल जाओ, मैं पीठ पीछे बुराई करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बोंगसून कहती है, कोई बात नहीं, जब कोई और पास ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तभी सेक्रेटरी गोंग हंस के कहते हैं, लेकिन अगर अकेले करूँगा तो बात नहीं बनती ना। तो बोंगसून कहती है, नहीं, ऐसा देखा जाए तो वहाँ कोई तो था ही। फिर वो कहती है, बहुत ज़्यादातर ऐश करने में ही समय बिताते रहते हैं और मैंने देख लिया है कि सबसे ज़्यादा खाली लोग तो सेक्रेटरी होते हैं। हाँ, बस एक बार उनकी फैमिली से मिली थी, बस ये सब हुआ। फिर वो सोचते हुए कहती है, बॉस और तो कुछ करते हैं नहीं। तभी मीनू का कॉल आता है और वो सेक्रेटरी गोंग को कल की इमरजेंसी मीटिंग के लिए तैयारी करने के लिए कहता है। जब वो कहता है, बोंगसून तुम इतनी देर तक वहाँ क्या कर रही हो, जल्दी वापस आओ, तुम मेरी बुराई कर रही हो ना। ये सुन के बोंगसून हैरान होते हुए सेक्रेटरी गोंग से पूछती है, यहाँ कोई वायर टेप है क्या, क्या उन्होंने मेरे कपड़ों में कोई कैमरा लगा दिया। जब बोंगसून पढ़ते पढ़ते अपने टेबल पर सो जाती है तो मीनू उसे बड़ी गौर से देखने लगता है। फिर वो उसके सिर को छूने वाला ही होता है तभी गुगडू आ जाता है। मीनू गुगडू को चुप रहने का इशारा करता है पर गुगडू बोंगसून को डांटता हुआ कहता है, तुमने सुबह मुजरिम को देखा था और इतनी ज़रूरी बात मुझे नहीं बताई, मुझे ये बात तुम्हारे बॉस से पता चली। दोनों इस बात पर बातों ही बातों में झगड़ा कर लेते हैं कि मैं बोंगसून को छोड़ने घर जाऊँगा, नहीं मैं बोंगसून को लेकर जा सकता हूँ। ये देख के बोंगसून हंस के कहती है, मेरे कारण ये सब मत करो, आप दोनों को मेरे कारण इस तरह बहस करना मुझे थोड़ा परेशानी में डाल रहा है। तभी मीनू और गोगडू का इस बात पे झगड़ा हो जाता है, नहीं तुम जाओ, नहीं तुम छोड़ाना। ये देख के बोंगसून उदास होके मुंह बनाती है। फिर मीनू बोंगसून को घर छोड़ने जा रहा होता है और कहता है, हमारे देश का सबसे बिजी पुलिस वाला लगता है। हाँ खैर, बॉस को भी अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट, तुम तो मेरी बॉडीगार्ड हो ना, तुम्हें यहाँ थोड़ी गड़बड़ नहीं लग रही? तो बोंगसून कहती है, तुमने कहा था तुम कैफ़े जा रहे हो, तुमने ज़बरदस्ती मुझे कार में बिठाते हुए कहा था कि मैं रास्ते में छोड़ दूंगा, मैंने तो पहले ही कहा था मैं अकेले जा सकती हूँ। इधर गुगडू को CCTV कैमरे से उस मुजरिम की कार का नंबर पता चल जाता है। फिर वो एक कार गैराज में पहुँचते हैं जहाँ एक आदमी होता है। पूछताछ करने पे वो आदमी बताता है कि उसने ऐसी कोई कार नहीं देखी और कहता है कि बॉस अभी बाहर हैं। पुलिस उसे अपना नंबर देती है और कहती है, अगर उसे ये कार दिखे तो फ़ोन करना।
जब बोंगसू की मॉम बोंगसू और मिनू को कैफे पे देखती हैं तो वो खुश होकर उन्हें पाई केक देने लगती हैं। जब मिनू पैसे देता है तो वो ये कह के मना कर देती हैं, तुम तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही हो। मिनू कहता है, क्या? तो वो कहती हैं, बोंगसू मेरी फैमिली है, तुम बोंगसू के बॉस हो तो ऑफिस की फैमिली हो, माने हम सब एक फैमिली हैं। बोंगसू और मिनू के जाते ही बोंगसू की मॉम और उनके फ्रेंड्स कहती हैं, आज फिर कार में, देखो तो कितना अमीर लगता है। बोंगसू घर जाके देखती है कि वीडियो इंटरनेट पे से डिलीट हो गया है, तो जोंगशिम कहती है, किसने किया होगा ये, मैं नहीं, तुम नहीं, बोंगी भी नहीं, तो तुम्हारा गे बॉस होगा। तो बोंगसू कहती है, वो तो उल्टा वीडियो फैलाएगा। तो फिर शुरू हो गई, पहले तो तारीफें कर रही थी। बोंगसू कहती है, वो है ही ऐसा अजीब। जोंगशिम कहती है, वो छोड़, लाख सोचने पर भी मुझे नहीं लगता कि वो गे है। बोंगसू कहती है, मुझे तो 100% यकीन है, वो गुगटू के पिछवाड़े को जैसे घूरता है ना। तो जोंगशिम कहती है, गुगटू का पिछवाड़ा तो है ही इतना सुंदर, पहले बाहर निकलता है फिर ऊपर उठता है। बोंगसू पूछती है, तुझे कैसे पता? तो जोंगशिम कहती है, जिसने भी देखा होगा सबको पता है। बोंगसू भी कहती है, हाँ उसका पिछवाड़ा इतना क्यूट क्यों है, पहले तो सिर्फ लड़कियों को अच्छा लगता था, अब तो लड़कों को भी, मुझे कंपटीशन पसंद नहीं है। जोंगशिम कहती है, आज कुछ मसाले वाला खाना खाने का मन कर रहा है। जब जोंगशिम मार्केट जाती है तो उसका वही मुजरिम पीछा करने लगता है। जोंगशिम भागने लगती है। इधर बोंगसू भी जोंगशिम को फ़ोन करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। मुजरिम जोंगशिम को अपनी टांगों से मारने लगता है। जैसे ही वो उसे स्टील रॉड से मारने लगता है तभी हमारी स्ट्रॉन्ग वोमेन डू बोंगसू वहाँ पहुंचकर स्टील रॉड पकड़कर उसे मोड़ देती है, जिससे मुजरिम का हाथ स्टील रॉड से दब जाता है। बोंगसू उसे लात मारते हुए गुस्से से कहती है, मेरी फ्रेंड पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? फिर बोंगसू जोंगशिम को देख के रोने लगती है, तभी वो मुजरिम वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल में बोंगी बोंगसू को कहता है, चिंता मत कर, रिब फ्रैक्चर हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बोंगसू रोते हुए जोंगशिम को कहती है, सॉरी मुझे मार्केट जाना चाहिए था। तो जोंगशिम बात बदल कर कहती है, खाने का क्या हुआ, अकेले मत ठूस लेना। कैफे में जब बोंगसू की मॉम कुछ लेडीज़ के साथ बैठ के उस मुजरिम के बारे में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं, हमें 3 हिस्सों में बंटकर खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी, स्पेशली 17 से 30 साल तक की लड़कियों की। तभी एक लेडी कहती है, ऐसा कैसे होगा, 40 साल की औरतें भी तो 18 की लगती हैं, और मुजरिम अगवा करते वक्त कौन सा उम्र पूछता है। जिस पर दूसरी लेडी कहती हैं, वो सिर्फ पतली लड़कियों को ही निशाना बनाता है। तभी तीसरी लेडी जो थोड़ी मोटी होती है खड़ी होकर कहती है, तो तुम्हारा मतलब है मोटी औरतों की रक्षा की ज़रूरत नहीं है, ऐसी हालत में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बोंगसू की मॉम कहती हैं, भारी औरतों को किडनैप करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो लेडी कहती है, किसने कहा, मुजरिम ने, उसने कहा कि उससे भारी औरतें नहीं उठाई जाती। बोंगसू की मॉम कहती हैं, बैठ जाओ, खुद ही क्यों सोच रही हो, मुजरिम की मर्ज़ी है किसे किडनैप करना है। तभी वहाँ पे गैंगस्टर्स का बॉस अपनी गैंग के साथ आता है, जो अपने आप को बैकटेक इंडस्ट्री का CEO बैकटेक बताता है और कहता है, आप सब लोग इन हादसों से काफ़ी परेशान हो, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, हम दोबोंगडोंग की रक्षा करेंगे, मेरे 60 एम्प्लॉयज़ को हर तरह की फाइटिंग आती है, मेरे लोगों को देख के तो आप इन पर भरोसा कर ही लोगे। और कहता है, सबसे सही तरीका है फटाफट सब बिल्डिंग्स बनाई जाएँ ताकि दोबोंगडोंग सही से फल फूल सके, मुजरिम कभी भी कोई जुर्म नहीं कर पाएगा, हम नेबरहुड सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। उनके जाते ही बोंगसू के फादर कहते हैं, मैं तो पक्का मुजरिम से ज़्यादा इन लोगों से डर रहा हूँ। बोंगसू की मॉम कहती हैं, उन्हें इग्नोर करो और 10 बजे के बाद बस स्टॉप तक हम खुद ही पहरा देना शुरू करेंगे। इधर जब जोंगशिम बोंगसू को बताती है कि मैं कल रात बहुत डर गई थी, मुझे लग रहा था कहीं मैं मर ही ना जाऊं, मैं इसलिए बच गई क्योंकि मेरी फ्रेंड बहुत ताकतवर है, लेकिन वो सब लड़कियां, उनको क्या महसूस हुआ होगा, बहुत डर लग रहा है। तभी वहां पर बोंगसू की मॉम आती हैं तो जोंगशिम कहती है, आंटी आप मॉम को ये मत बताना, वो कमज़ोर दिल वाली हैं, आप जैसी नहीं हैं। तभी बोंगसू की मॉम बोंगसू को गुस्से से कहती हैं, अगर तू गई होती तो वो मुजरिम पकड़ा जाता,
पता नहीं कब मौका मिलेगा। मिनुक ऑफिस में बोंगसुंग का इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो नहीं आती तो वह सेक्रेटरी गोंग को बोंगसुंग की स्टडी टेबल पर बैठने को कहता है और उन्हें स्वीट्स भी दे देता है जो वो वाइट डे पर बोंगसुंग को देने वाला था, और कहता है जब कोई सामने नहीं होता तब उसके होने का मतलब समझ आता है। सेक्रेटरी गोंगी भी ये देख के हैरान होते हैं, फिर खुश होकर कहते हैं लगता है आप मेरे यहाँ ना होने पर काफ़ी अकेले थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनुक बोंगसुंग को काफ़ी मिस कर रहा है। गुगडू जोंगशिम का पता लेने आता है और पूछताछ करता है। जब वो कहती है कि अगर बोंगसुंग ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, तभी बोंगसुंग उसे इशारा करती है और वो बात बदल कर कहती है। बोंगसुंग उसे देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई और वो भाग गया। वो बताती है कि उसने मास्क पहन रखा था, शायद वो गंजा था। इधर हम उस मुजरिम को देखते हैं जो अपने पट्टी बांध रहा होता है क्योंकि बोंगसुंग ने इसकी पिटाई की थी। फिर गुगडू बोंगसुंग को डांट कर पूछता है तुमने वो इमरजेंसी डिवाइस क्यों नहीं दबाया। तो बोंगसुंग कहती है मैं घर पर भूल गई थी। फिर वो पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उस मुजरिम ने कितनी बार तुम्हारा चेहरा देख लिया, तुम अब डोबोंग डोंग में नहीं रह सकती। वो उसे उसके बॉस के घर पर रहने को कहता है। फिर गुगडू मिनुक को बोंगसुंग को अपने घर पर रखने को कहता है और कहता है उसे छूने की कोशिश भी मत करना। जिस पे मिनुक पूछता है क्या वो तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है ना। जब गुगडू यही कह के चला जाता है कि बोंगसुंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो मिनुक कहता है डू बोंगसुंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्यार एक तरफा ही है। नेक्स्ट डे जब गुगडू बोंगसुंग को लेने आता है तो वो बोंगसुंग को कहता है तुम्हारी स्कर्ट इतनी ऊंची क्यों है, मेकअप क्यों कर रखा है, ज़्यादा सुंदर मत लगो। ये सुन के तो बोंगसुंग खुशी के मारे पागल होने लगती है। जब मिनुक देखता है कि गुगडू और बोंगसुंग कंपनी के बाहर खड़े हुए एक दूसरे को कह रहे हैं पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ, तो वो कहता है देखो तो सही इस लड़की को, पागल कहीं की। ऑफिस में बोंगसुंग पागलों की तरह हंसे और शर्माए जा रही थी, जिसे देख के मिनुक हैरान होकर कह रहा होता है अब इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में जब सेक्रेटरी गोंग बोंगसुंग के कपड़े लेके जाने लगते हैं तो सेक्रेटरी गोंग एक कंबल की तरफ इशारा करके कहते हैं ये किस लिए। तो बोंगसुंग की मॉम कहती हैं उन दोनों के इस कंबल में एक साथ सोना जो है। फिर वो हंस के कहती हैं मैं मजाक कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिनू को नींद नहीं आ रही होती और बोंगसुंग को भी उसी मुजरिम के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही होती। इधर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर्स का बॉस बेकटिक अपने साथियों के साथ डोबोंगडोंग में पहरा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोंगसुंग अकेले डोबोंगडोंग में रात में चल रही होती है, तभी उसका कोई पीछा करने लगता है। जब वो पीछे मुड़ के उसे पकड़ने वाली होती है तो वो देखती है कि ये तो मिनुक है। मिनुक पूछता है मुझे लगा तुम नींद में चल रही हो तो मैं पीछे आ गया, यहाँ क्यों आई हो। तो बोंगसुंग कहती है मैं उसको अपने हाथों से पकड़ूंगी, मैं हमेशा अपनी ताकत छुपाकर ही जीती आई हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। फाइनली बोंगसुंग ने उस मुजरिम को पकड़ने का पक्का इरादा कर ही लिया। इधर गुगडू भी पुलिस स्टेशन पर बोंगसुंग के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है और वो मिनू के घर जाकर कहता है मैं भी यहीं रहूँगा। तभी बोंगसुंग और मिनुक हैरानी से उसे देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।